जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का BS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल भर्ती के लिए आज की बहुत ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना जो है लेखपाल भर्ती के लिए आई हुई है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज उस सूचना को देख लेते हैं कि वह सूचना क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लेखपाल भर्ती के लिए CCC जरूरी नहीं। शासन का फैसला, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होगी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द नया प्रस्ताव भेजेगा राजस्व परिषद। तो दोस्तों, पूरी खबर चलिए हम आप लोगों को देख लेते हैं और बता देते हैं इस पूरी खबर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और से की जाने वाली राजस्व लेखपालों की भर्ती के लिए CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। लेखपाल भर्ती के लिए शासन ने CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य न करने का फैसला किया है। लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी। शासन के इस फैसले के बाद लेखपाल भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया है। शासन के फैसले के क्रम में राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही नए सिरे से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रस्ताव भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व लेखपालों के लिए 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें चयन के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ ही अभ्यर्थी के कंप्यूटर ज्ञान को दर्शाने वाला CCC सर्टिफिकेट CCC सर्टिफिकेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 80 घंटे का कोर्स है। इस कोर्स का सर्टिफिकेट पाने के लिए अभ्यर्थी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। वहीं लेखपालों की सेवा नियमावली में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही थी। इस विसंगत को दूर करने के उद्देश्य से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व विभाग को लेखपालों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली में भी CCC का सर्टिफिकेट अनिवार्य करने का अनुरोध किया था। राजस्व विभाग ने इस पर मंथन किया और पाया कि CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने में से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। लिहाजा शासन ने राजस्व परिषद को अब नए सिरे से आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि इसके पहले जो है CCC अनिवार्य के लिए दोस्तों जो है शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, परंतु शासन ने उस पर मंथन किया और मंथन करने के बाद पाया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वह काफ़ी बच्चे जो है CCC नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों, इससे जो है काफ़ी संख्या में जो है गांव के बच्चों के लिए हानि पहुंच सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि CCC को जो है अभी अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है और इस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी मुहर को जो है लगा दिया गया है और इसकी जो पात्रता होगी वह इंटरमीडिएट होगी। क्या होगी? इंटरमीडिएट इसकी पात्रता होगी, न कि बैचलर एजुकेशन। तो दोस्तों, आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी लोगों को बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।